खबरें अभी तक पर मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। हरियाणा को अगर कहा जाए तो अब धरनों का प्रदेश भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हरियाणा में पानी नहीं मिल रहा तो धरना, सैलरी नहीं बढ़ रही तो धरना, जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर धरना, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग को लेकर धरना, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना और समान वेतन समान काम की मांग को लेकर धरना, यानी कि हरियाणा में अब हर तबका अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पंचकुला में भी एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। तो पंचकुला में एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो एसोसिएशन है, चार दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है और एक्सटेंशन लेक्चरर्स की मांग है कि सरकार प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाए, साथ ही वो जॉब सिक्योरिटी की मांग भी कर रहे हैं। लेक्चरर्स ने धरना देते हुए कहा है कि वो 4 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे और उससे पहले कैंडल मार्च भी निकालेंगे। तो एक्सटेंशन लेक्चरर्स का धरना लगातार जारी है और उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो सीएम आवास का घेराव वो करेंगे, इस बात की उन्होंने चेतावनी दी है। तो 4 दिन हो चुके हैं उनके इस धरने को, 4 दिन से वो धरना दे रहे हैं और उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने हवन यज्ञ भी किया था और कहा था कि सभी को सद्बुद्धि दी जाए और उसके बाद 4 दिन हो चुके हैं उनके इस प्रदर्शन को, उनके इस धरने को। तो एक्सटेंशन लेक्चरर्स का ये धरना लगातार जारी है और मांगों को वो सरकार के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि जॉब सिक्योरिटी उन्हें दी जाए और जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सीएम आवास का वो घेराव करेंगे। तो करीबन 4 दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर ये एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो हैं वो अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जॉब सिक्योरिटी की वो बात कर रहे हैं कि उनकी जॉब सिक्योर हो, इस बात की उन्हें गारंटी दी जाए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसे लेकर सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की है और अपनी अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, 4 दिन हो चुके हैं, 4th दिन भी उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहा। तो चलिए सीधा आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शन इनका लगातार जारी है, 4 दिन हो चुके हैं, सीधा रुख करेंगे पंचकुला का, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, 4 दिन हो चुके हैं इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स का जो प्रदर्शन है जारी है, क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, एक्सटेंशन लेक्चरर की मांग है कि सरकार पहले तो जॉब सिक्योरिटी दे, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो आगे का सारा सिस्टम कहीं ना कहीं जो है डिस्मिस हो जाता है। इनका मानना है कि जब स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाते भी हैं, कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जो महिलाएं हैं जब उनको लीव चाहिए होता है, मैटरनिटी लीव, तो जो प्रिंसिपल हैं वो ये कह देते हैं कि ये रूल आप में लागू नहीं होता। तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कई महिलाएं ना तो शादी कर पा रही हैं और अगर कईयों की शादी हुई भी है तो शायद शादी भी इसी चक्कर में टूट जा रही है कि दरअसल क्योंकि परिवार का प्रेशर होता है कि परिवार वंश को आगे बढ़ाना, लेकिन जो जॉब की सिक्योरिटी वो नहीं होने कारण या तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है या विवाह, दोनों में से एक चीज़ चुनना पड़ता है। क्योंकि आप जो इस प्रकार की जो महंगाई का दौर आजकल देख रहे हैं, अगर पति और पत्नी दोनों ना कमाएं तो घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार की जो बेरुखी है उससे साफ लगता है कि इन लोगों की जो मांगे हैं उससे साफ लगता है कि सरकार इनकी तरफ उस तरीके से विचार नहीं कर रही जिस तरीके से विचार करना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है इनकी मांग है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने जो इनसे वादे किए थे वो भी पूरे करने की आवश्यकता है। इनका कहना है कि सरकार हर बार कहती कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, पूर्व के समय में इनकी बात जवाहर यादव से भी हुई जो पूर्व में ओएसडी भी रहे मुख्यमंत्री के, बाद में हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन अमूमन जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मसले होते हैं उसमें वही सहयोग करते हैं, वही बातचीत करते हैं और आगे बढ़ करके सरकार के साथ ये मसलों को निपटाते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं किया। इसके अलावा इनकी मांग है कि जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करेगी वो यहाँ से बिल्कुल टस से मस होने वाले नहीं है और इसीलिए आप देख सकते हैं पूरा टेंट लगाकर इन्होंने
पूरा इंतजाम किया हुआ कि ये इतने जल्दी वापस जाने वाले नहीं है, या तो सरकार इनकी मांग पूरी करे, नहीं तो जब दूसरी कोई अगर गवर्नमेंट आने वाले समय में लोग चुन करके भेजेंगे तो शायद वो इनकी मांग पूरी करे। लेकिन इनका कहना है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार जब तक है तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है, उनको तो अपनी मांग पूरी करवानी है। बिल्कुल कुमार रमेश, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो है वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, 4 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शन इनकी तरफ से लगातार जारी है, क्या सरकार की ओर से कोई सुध इनकी ली गई है, कोई आश्वासन इनकी मांगों को लेकर दिया गया हो? देखिए, इस बारे में हम सीधे ईश्वर सिंह से बात करते हैं जो प्रधान है स्टेशन लेक्चरर के, यही बताएंगे दरअसल की बात हुई किससे हुई और क्या सिस्टम रहा, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने धरना लगाया है इसे तो साफ है कि शायद सरकारें इनकी बात नहीं सुन रही, तभी इन्होंने इस प्रकार का टेंट लगा के धरना देना उचित समझा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद समय लगे इनकी बात मानने में। ईश्वर सिंह से बात करते हैं कि दरअसल आखिर उनको ऐसी मुसीबतों के दौर में क्यों धरना लगाना पड़ा। भाई साहब, आपने तो पूरा इंतजाम कर लिया कि जाने वाले नहीं है, दरअसल मांग है क्या आपकी और क्यों नहीं हटने वाले हैं? सर, हमारी मेन जो मांग है सभी एक्सटेंशन लेक्चर की, 2010 से जो है सरकारी कॉलेजों में कार्यरत जिन्होंने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत बड़ा एहसान भी किया है, क्योंकि अगर सरकार रेगुलर भर्ती करती तो अरबों खरबों का बजट होता, लेकिन एक्सटेंशन लेक्चरर ने हरियाणा सरकार के कॉलेजों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, सारे वेल क्वालिफाइड, और हमारी मेन जो मांग है वो जॉब सिक्योरिटी की है। ये ठीक है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का हमने 2 बार धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने फिक्स सैलरी की, लेकिन इस फिक्स सैलरी का फ़ायदा क्या, जब हमारे 80 कैंडिडेट आज 6 महीने से विभिन्न विषयों के अंदर फ्रेश भर्तियों से, ट्रांसफर डेपुटेशन से घर बैठे हैं, और आगे आने वाली भर्तियों से कम 500 एक्सटेंशन लेक्चर जो है बेरोजगार होने की उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो मेन जो हमारी मांग है वो ये है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए कि इतने सालों से जो एक्सटेंशन लेक्चर कार्यरत है उनको बेरोजगार न किया जाए, जैसा हमारा रोजगार है उस रोजगार को बनाए रहे, और एक्सटेंशन लेक्चर जो है जिनको दिन रात इसी बात की चिंता सताती रहती है कि पता नहीं कब हमारे खिलाफ ट्रांसफर आ जाए, कब फ्रेश भर्तियों से हमें हटा दिया जाए। अगर रियल के अंदर सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, पहले अच्छा किया है उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अगर रियल में कुछ करना चाहती है तो तुरंत प्रभाव से एक शिक्षा विभाग को आदेश दिए जाए, निर्देश दिए जाए कि एक लेटर निकाला जाए कि जो हमारे साथी 6 महीने से विभिन्न विषयों में डिस्प्लेस्ड अपने घर बैठे हैं, जिनकी गृहस्थियाँ, जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, उनको वापस लिया जाए और आगे से किसी भी एक्सटेंशन लेक्चर को जो डिस्प्लेस नहीं किया जाए, ऐसी कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए, ऐसा कोई आदेश दिया जाए। और जब तक हमारे साथी जो घर बैठे हैं सरप्लस होकर, उनको सरकार वापस नहीं लेगी और कोई ऐसा कमिटमेंट, कोई ऐसा लेटर या कोई ऐसा आदेश नहीं देगी कि आगे किसी भी एक्सटेंशन लेक्चर को नहीं हटाया जाएगा, हम यहाँ जमे रहेंगे। और कल 4 मार्च को पूरे हरियाणा से सभी कॉलेजों से, सभी डिस्ट्रिक्टों से 1200 के लगभग एक्सटेंशन लेक्चर यहाँ आ रहे हैं और वो पूरी अपनी ताकत से, लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्वक अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए जो है वो सरकार से अपनी मांग रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो एक बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले भी हमारी सुनी है और अब भी हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी सुनेंगे और जो हमें जॉब सिक्योरिटी दे के हमें वापस भेजेंगे। तो आपने सुना कि किस कदर ये बता रहे हैं कि इनकी मांगे क्या है, दरअसल ये मानते हैं कि सरकारों ने इनकी बात सुनी है और ये चाहते हैं कि जो और भी समस्याएं हैं उस पर भी सरकार बात सुने इनकी और उनको हल करे। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से इनकी मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है और सीएम आवास का घेराव करने की भी चेतावनी इन्होंने दी है। महिलाएं हम आपके आसपास देख सकते हैं, वो भी बैठी हुई हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतें हैं क्योंकि घर बार छोड़कर प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कुछ कहना है। देखिए बिल्कुल, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उन महिलाओं से भी आपकी बातचीत कराता हूं कि वो क्या करें। मैडम, दिक्कत क्या आ रही है, क्यों आपको घर छोड़ करके यहां पर धरना देने की जरूरत पड़ी? सर, पहली बात तो हमारी जॉब की, जैसे कि हमारे प्रधान ने बताया कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, किसी भी समय हमें कॉलेज से बाहर भेज दिया जाता है, कोई लिस्ट आती है ट्रांसफर की या डेपुटेशन की और किसी न किसी को कॉलेज से बाहर, और इसी तरह नई ज्वाइनिंग से हमें बाहर कर दिया जाता है। एक और हमारी सबसे बड़ी समस्या आ रही है लेडीज़ की, हमारी 80% स्ट्रेंथ फीमेल की है एक्सटेंशन फैकल्टी में, लेकिन उनको इवन से मैटरनिटी लीव तक नहीं मिलती। ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम जूझ रहे हैं और इसकी वजह से हमें यहाँ बैठना पड़ा है। चलिए, और भी आपके कई महीनों से लेकर हम लेंगे। जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में सर।
आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन इनकी ओर से जारी है, एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से, उनका कहना है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जॉब सिक्योरिटी ये चाहते हैं। नहीं देखिए, एक्सटेंशन लेक्चरर मतलब एक्सटेंशन लेक्चरर है जी, वो जॉब सिक्योरिटी की, जब इनको एक्सटेंशन लेक्चरर कहा गया तो जॉब सिक्योरिटी की कभी किसी ने बात नहीं की थी। हाँ, आप एक्सटेंशन लेक्चरर है, जब भी कोई परमानेंट लेक्चरर आएगा, और एक्सटेंशन लेक्चरर में से ही अनेक लोग परमानेंट लेक्चरर भी लगते हैं, तो उनके आने के बाद अगर कोई सीट खाली होगी जहाँ परमानेंट लेक्चरर आ गया, तो चाहे गेस्ट हो चाहे एक्सटेंशन हो, निश्चित रूप से उस सीट को तो भरना एक तरीका होता है उसकी। मतलब पहले अभी तक आरोप ये लगते रहे थे पिछली सरकारों पर कि वो बैकडोर इंट्री करती है, अगर हम उसको खत्म कराकर हम ये कहते हैं योग्यता के आधार पर परमानेंट लेक्चरर में चाहे गेस्ट लेक्चरर आए चाहे एक्सटेंशन लेक्चरर आए, अगर वो परमानेंट सीट पे आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो इसके नाते होते हैं। हाँ, जहाँ तक इनकी सैलरी की बात की बढ़ाने की, उसमें हमने इजाफा किया है, इनकी बाकी जो और सुविधाएं थी उनको भी, और उसमें तो डायरेक्ट मैं खुद इनकी समस्याओं से जुड़ा पहले भी रहा हूँ और आज भी जुड़ा रहता हूँ जी। लेकिन यादव जी, इनका कहना है कि इन्हें अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने हमेशा इनके ऊपर ध्यान दिया है, सैलरी को फिक्स्ड किया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, और अब ये अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और जिस तरीके से इनका प्रदर्शन है, आप भी, आपको बता दें कि ये जाने वाले नहीं है। इनका कहना है कि अपने प्रदर्शन के जरिए ये सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं कि इनकी जॉब सिक्योरिटी इन्हें दी जाए। देखिए, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है, परंतु जॉब सिक्योरिटी का अर्थ ये नहीं होगा कि किसी को हम परमानेंट नौकरियां रोक दे, किसी और को परमानेंट कर दे। कल तक आपके टीवी चैनलों पर आप ये डिबेट कराते थे कि जो पिछली सरकारों में बैकडोर एंट्री होती रही है, क्या आप भी उसको जारी रखेंगे? हमने काम बिल्कुल नहीं रखेंगे। आप लोग ही तब हमें कांग्रेस को भी घेरते थे, और हम भी आपको एंकर भी घेरते थे, और हम भी घेरते थे, कारण क्या, वो व्यवस्था का प्रश्न था। आज व्यवस्था ये है कि परमानेंट लेक्चरर आएगा तो फिर जिसको जाना है उसको जाना ही पड़ेगा, परंतु हम इस नाते कि केवल एक बार हम किसी सरकारी जॉब में कुछ दिन जी चले, आप बने रहिए हमारे साथ। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक में आपका। हाँ जी, थैंक यू जी। तो ढींगरा साहब, जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है एक्सटेंशन लेक्चरर्स की ओर से, वो कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी उन्हें दी जाए, वरना वो प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी इस समय अब ऐसी स्थिति बन गई है, जब भाजपा ने इलेक्शन के दौरान इतने वायदे किए थे कि हम इनकी सभी मांगे, सभी कंट्रेक्चुअल्स को पूरा कर देंगे, इनको हम पक्की जॉब्स दे देंगे। आज ये सारी बातों से भाजपा सरकार मुकर चुकी है। और जब तक, जहां तक ये सिर्फ ये कहने की बात है कि इन्होंने उनको अमाउंट देने का काम किया है, उनकी मांगे मानने का काम के लिए आपने वायदा किया हुआ है, उनकी मांगे आपको अब माननी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने आपको वोट दे दिया, अब वोट देके वो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप मांगे मानने में फेलियर साबित हो रहे हैं। ये सिर्फ कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की बात नहीं है, ये अगर हम कंट्रेक्चुअल टीचर्स की बात करें या हम GNRM दूसरे उनकी बात करें, जितने लोग धरनों को प्रदर्शन कर बैठे हैं, लोगों को इन्होंने वायदा करके अब दिखाना चाहिए। अब भाजपा सभी जगह फेलियर साबित हो रही है, क्योंकि अपने सारे वायदों से मुकर चुकी है ढींगरा साहब। लेकिन इन लेक्चरर्स का कहना है कि इन्हें अपनी सरकार पर भरोसा है, खट्टर पर भरोसा है, और जिस तरीके से उनका कहना रहा कि हमेशा उनकी ओर ध्यान दिया गया है, और अब भी उनका ये मानना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, क्या लगता है कि इस मांग को पूरा किया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी उन्हें दी जाएगी? देखिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए वादा किया था इन लोगों ने, अभी जॉब सिक्योरिटी के लिए ना कर चुके हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से कर देंगे। पहले आपको याद होगा, इन्होंने 60 साल की एज 58 साल करने का बात की थी, और 58 साल कर दी, उससे कितने लोग रिटायर हो गए। आप देखिए, इस समय 1.5 लाख भर्ती जो है होनी चाहिए हरियाणा के अंदर, लेकिन वो भर्ती इनसे हो नहीं पा रही, और जो पुराने लोग लगे हुए हैं कंट्रेक्चुअल, उनके साथ ये एक सतेला व्यवहार कर रहे हैं। और जिस तरीके से सारी सरकार है, वो कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार ने ये जो भर्ती करी है ये गलत काम किया है। अभी अब उन सभी लोगों को ये अमाउंट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे हैं। यादव साहब, क्या कहेंगे, पक्का करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा?
अब देखिए मेरा निवेदन है जिस धीरे से मैंने इनको सुना ये भी मुझे सुन लें जी। और जब हम बगैर तथ्य बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लोग अपने बारे में मत बनाते हैं, चाहे मेरे बारे में बनाए चाहे मेरे विरोधी मित्र के बारे में जी। एक कोई पेपर पे दिखा दीजिए हमने एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए ये कहा कि हम उसको पक्का करेंगे, इनकी अपनी धारणा है। दूसरा हमने जिनको कहा, हमने कहा था कि जो रोडवेज की है तो 2004 के रोडवेज कर्मी 8200 हमने पक्के कर दिए, आप 10 साल बीच में रह के आप रह गए तो कम से कम हमें ना समझाए। दूसरा हमने ये कमिटमेंट के साथ कहा था कि हम जो परमानेंट जॉब है उसको योग्यता के आधार पर भरेंगे जी। ये हमारी कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के साथ एक्सटेंशन लेक्चरर आए चाहे उसमें गेस्ट लेक्चरर आए, अगर वो इतनी योग्यता के साथ उसमें आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे जी। दूसरा ये कह रहे हमने अगर उनको कहा कि हमने उनका वेतन बढ़ाया है तो इसमें आपको कोई गलती लगती है क्या? हमने वेतन बढ़ाया है कि जब तक उस सीट पे कोई परमानेंट नहीं, यादव साहब वेतन बढ़ाया गया है ये लेक्चरर्स भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी आय को फिक्स किया गया है, इस बात को वो भी मानते हैं, लेकिन इन लेक्चरर्स को आखिरकार धरने पर क्यों आना पड़ा, क्यों प्रदर्शन इन्हें करना पड़ा, क्यों इनकी मांगों को माना नहीं गया? देखिए कुछ मांग है जो मानी जाती है, कुछ नहीं मांग, अगर ये कोई ये कहे हमने उनका बंद करनी है जी। कि किसी तरह आप दो दिन एक बार किसी नौकरी पर चले जाए और उसका फिर ये करते हैं कि आप हमारी जॉब सिक्योरिटी करो। नौकरी तो हमारी सरकार में योग्यता के आधार पर लगेगी नंबर एक। दूसरा जिस कैडर के ये लोग हैं मैं अपने मित्र केवल सिंगला जी को बता सकता हूँ, अपना रिकॉर्ड उठा लेना लास्ट के 5 साल का और हमारा उठा लेना 3 साल का HPSC के चेयरमैन अभी भी वही है जो आपकी सरकार में लगे थे बराना साहब, उनसे ही रिकॉर्ड मांग लेना कि 5 साल में लेक्चरर परमानेंट ज्यादा लगे थे या 3 साल में परमानेंट लेक्चरर लगे थे। तो मेरा सच्चों के आधार पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जो यादव साहब जो बात कह रहे हैं, एक बात आप समझे कि जिस तरह से रामविलास शर्मा जी ने रिकॉर्ड पे बात करो, पहले रिकॉर्ड पे बात कीजिए। और ये यादव जी ये समझ नहीं रहे कि जब रामविलास शर्मा जी पहली कदम की बात करते थे वो, और उसके बाद इन्होंने सारे अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिया कि हम सभी कंट्रेक्चुअल को पक्का करेंगे, आज ये इस बात से मुकर क्यों रहे हैं? और दूसरी बात ये हमने कहा ही नहीं। लेकिन डिंगर साहब इनका कहना है कि कुछ मांगे होती हैं जिन्हें मान लिया जाता है, कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिन्हें माना नहीं जाता, उसे लेकर क्या कहेंगे? ये ऑन एयर बयान है इन लोगों के, ये आज झूठ बोल रहे हैं लेकिन इनके ऑन एयर बयान है और लिखित में इनके फरमान है कि हम सारे जो लेक्चरर्स होंगे, हम जो जितने भी कंट्रेक्चुअल लोग हैं सभी को पक्का करने का काम करेंगे। आज झूठ बोलने का सरकार जो काम कर रही है, जवाहर यादव जी भी शामिल है क्योंकि ये खट्टर साहब के क्लोज हो सकते हैं लेकिन रामविलास शर्मा जी का मुंह नहीं पकड़ सकते, वो अपनी बात कहते हैं ये अपनी बात कहते हैं। और जिस तरह से ये काम कर रही है सरकार, डिंगरा साहब सुनिए सुनिए पहले यादव जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात को भी सुनिए। मेरा निवेदन ये है, इन्होंने ये नहीं बताया कि HPSC के माध्यम से प्रमाण चेक कर इन्होंने कितने लगाए और हमने कितने लगाए, उसको ये फोन कर गए। दूसरा ये कहते हैं कि घोषणा पत्र मुझे अच्छा रहता मित्र मेरे, अगर आप अपनी सरकार का तो मुझे पता नहीं, अगर आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ते थे, जहाँ तक गैस टीचर की भी बात थी जी, उस पर हमने, चलिए यादव जी आप बने रहिए हमारे साथ, ढिंगरा साहब आप भी बने रहिए, गैस टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सटेंशन टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुमार रमेश आपने सुना, जितने भी आपके साथ एक्सटेंशन टीचर्स बैठे हुए हैं, लेक्चरर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी बात को सुना, अब उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें सरकार पर भरोसा है कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल ईश्वर जी बैठे हुए, इन्होंने कांग्रेस की बात भी सुनी और सत्ताधारी बीजेपी की बात भी सुनी, उन्हीं से जानते हैं कि दरअसल क्या इन राजनेताओं की बात से वो कितना सेटिस्फाई। सुना आपने जवाहर यादव जी ने कहा कि उनकी कई मांगे हमने पूरी करी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, दोनों की बातें आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, अभी मैंने OSD जवाहर यादव जी की बात सुनी है, उनके बयान भी सुने हैं, लेकिन मैं जवाहर यादव जी उनको एक बात कहना चाहता हूँ सभी एक्सटेंशन लेक्चरर्स की तरफ से कि उन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन मैं भाई साहब बार बार ये कह रहे हैं कि फ्रेश भर्ती आएंगी तो इनको जाना पड़ेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिनकी ईमानदारी और जिनकी बहुत ही अच्छी जो प्रशासनिक पकड़ जो है उसका पूरे हरियाणा में डंका बजा हुआ है, उनका डेली अखबार में ये बयान आ रहा है कि हम किसी को भी बेरोजगार नहीं करेंगे। भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कंसल्ट क्या करें आप, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे,
और आप ये कह रहे हो कि भाई फ्रेश भर्तियों से इनको जाना पड़ेगा। भाई साहब फ्रेश भर्तियां करें, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फ्रेश भर्तियां कर रही है, लेकिन फ्रेश भर्तियों से इतना ज़्यादा वर्कलोड हरियाणा में पड़ा हुआ है, 32 कॉलेज हमारी सरकार जो है खोलने जा रही है। अगर आप मुख्यमंत्री से मिलके एक बार ये निर्देश दिला दें अधिकारियों को, तो मैं वादा करता हूँ एक भी एक्सटेंशन लेक्चर बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेश भर्तियों में हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर भी लग रहे हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन लेक्चरर पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं उनके रोजगार को बचाइए। रोजगार देना स्टेट गवर्नमेंट और कल्याणकारी राज्य जो है उसका नैतिक कर्तव्य है, ना कि उसको रिस्ट्रिक्ट करके रोजगार छीनना। और हम तो बड़े खुश होते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के कल भी अखबार के अंदर बयान आया हुआ था कि हम किसी का रोजगार नहीं छीनेंगे और किसी का रोजगार नहीं जाने देंगे। भाई साहब आपसे सभी एक्सटेंशन लेक्चरर का यही रिक्वेस्ट है कि जो एक्सटेंशन लेक्चर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं, आपने इतना पॉजिटिव काम किया है, हमारा सैलरी फिक्स करवाई है, आपने एडजस्टमेंट का प्रोविजन बनाया है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर आप थोड़े से भी हमारे प्रति सीरियस हो जाएं और अपने अधिकारियों को थोड़े से सख्त निर्देश दे दें, एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर बाहर नहीं हो सकता। सुना जो आज यादव जी आपने, मैं उत्तर भी देना चाहता हूँ, बताइए। ऐसे है कि हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है परमानेंट लेक्चरर योग्यता के आधार पर आएंगे। खुद अधिसूचना में कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरर में से भी और गेस्ट लेक्चरर में से भी काफी कुछ लोगों ने वहाँ जाके क्वालिफाई किया है। तो हमारा कहना है कि जो क्वालिफाई करेगा वो लगेगा, हम मेरे लिए तो सारे के सारे एक्सटेंशन लेक्चरर लग जाएंगे। लेकिन यादव जी अभी आपने सुना उनका कहना है कि फ्रेश भर्तियां होंगी तो पुराने जो है उन्हें निकाल दिया जाएगा, बेरोजगार वो हो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी को बेरोजगार होने नहीं दिया जाएगा, उसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बेरोजगार होने नहीं दिया जाए, हम किसी को बेरोजगार नहीं करें। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि हम योग्यता के आधार पर सिस्टम को चलाना चाहते हैं, इसमें जिनका आएगा स्वागत है। सिर्फ केवल आप मान के चलिए देश में या पूरे विश्व में कहीं भी सरकारी नौकरी तो टोटल जो हरियाणा में भी जो वैलिड सरकारी नौकरी है जिसको पेंशन पोस्ट कहते हैं वो 3 लाख है, यानी कि हरियाणा की आबादी का 1.25% लोग केवल सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो रोजगार में केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं है। क्या माने जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, चेतावनी दी है कि सीएम आवास का ये लोग घेराव करेंगे, 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगों को माना जाएगा या नहीं? देखिए जो भी सकारात्मक चीजें होंगी, जो भी पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं, इनका वेतन हमने बढ़ाया है, इनको ने कुछ छुट्टियां दी हैं, जो भी संविधान संवत चीजें हैं जो मानी जा सकती है, उसके लिए हमारा सदैव सकारात्मक रुख रहा है, वो इनके प्रति भी और अन्य लोगों के प्रति भी, उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु केवल ये कह देना कि हमें परमानेंट कर देंगे तो इसमें संविधान के अनुसार भी दिक्कत होती है, कानूनी प्रक्रिया में भी दिक्कत होती है। आज गैस टीचर का मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, हमारे चाहते भी हम चाहते हैं वो भी हो, तो कुछ चीजें संविधान के दायरे में रहकर करनी पड़ती है। और संविधान के दायरे में रहकर मेरी इनसे प्रार्थना है वो जितने लोग की परमानेंट रूप के सिस्टम में आ सकते हैं एचपीएससी के थ्रू वहां पे आना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आने। और दूसरा ये कहते हैं कि हम लेक्चरर हैं, तो मैं मानता हूँ कि लेक्चरर मतलब बहु प्रतिभा के धनी लोग हैं, तो रोजगार के अनेक क्षेत्र भी हो सकते हैं। आपने सुना कि जो भी सकारात्मक रुख है यादव जी ने कहा कि वो अपनाया जाएगा, इसे लेकर अब क्या कह रहे हैं गेस्ट टीचर्स नहीं एक्सटेंशन लेक्चरर्स का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? रमेश जिस तरीके से इन्होंने कहा, यादव जी का कहना है कि अब सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा क्योंकि हर मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, कुछ मांगे होती हैं जिन्हें मान लिया जाता है, कुछ मांगे होती हैं जिसमें कानूनी प्रक्रिया में मुश्किलें आती हैं, अब इन मांगों को लेकर ये जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं वो अड़े हुए हैं, अब इनका क्या कहना है पूरी बात सुनने के बाद? देखिए बिल्कुल जवाहर यादव जी कह रहे थे भी, आपने सुना कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके तहत काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत ही जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? मैं भाई साहब जवाहर यादव जी आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी यही कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक्सटेंशन लेक्चर जो लगे हुए हैं उनकी कमेटी बनी है, उनके एडवर्टीजमेंट हुए हैं, सारे वेल क्वालिफाइड हैं और कमेटी के थ्रू जो है मेरिट बेस के ऊपर उनको लिया गया है। और अगर कानूनी बात की जाए, संवैधानिक बात की जाए, तो यूजीसी की बात की जाए, तो आप देखिए शिक्षा विभाग
यूजीसी कहती है कि 60 का सेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट जो है वो 60 होने चाहिए, लेकिन आप पता करें शिक्षा विभाग के अंदर कितने स्टूडेंट का सेक्शन बनाया हुआ है। यूनिवर्सिटी कैलेंडर कहती है कि 24 to 27 पीरियड का वर्कलोड हो, लेकिन 27 to 30 का वर्कलोड बनाया हुआ है। हम आपसे इतनी गुजारिश करते हैं, HPSC की भर्ती आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो इतने सालों से एक्सटेंशन लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर पॉजिटिव होके माननीय मुख्यमंत्री वेल क्वालिफाइड हैं। चलिए जो आज बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए केवल धींगरा साहब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुमार रमेश हमारे से जुड़े जिन्होंने बताया कि क्या कुछ इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स का कहना है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अभी आपने मांगों को सुना कि इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स की क्या कुछ मांगे हैं, जॉब सिक्योरिटी ये चाहते हैं और खट्टर सरकार पर इन्हें भरोसा भी है कि वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे। 4 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।